फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्टेबलाइजर असेंबलिंग की सातवीं और आखिरी वीडियो है और आज के दिन की वीडियो देखने के बाद आप स्टेबलाइजर को पूरी तरह से समझ जाएंगे और उसका पूरा असेंबलिंग समझ जाएंगे कि किस तरीके से असेंबल किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है और उसको कैसे सेट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम स्टेबलाइजर को सेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से स्टेबलाइजर को सेट किया जाता है। तो ये रहा हम लोगों का स्टेबलाइजर जो अभी हम लोगों ने इसका कनेक्शन करके कम्प्लीट कर दिया है और उसके बाद जो है कि यहाँ पर ये किट है और किट में आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये प्रीसेट है और यहाँ पर सेट लिखा है तो इसी से हम सेट करेंगे और यहाँ पर टाइमर लिखा है तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। यदि आप यहाँ पर ये जो कैप लगा हुआ है, यहाँ जो मैं पीसीबी वाला वीडियो बनाया था ये इस कैप के बारे में बताया था, यदि आप इस कैप को निकाल देते हैं तो ये टाइमिंग पर काम करता है, उसी टाइमिंग को काम मतलब कुछ देर बाद आपको आउटपुट मिलता है और उसी आउटपुट के समय को आप यहाँ से सेट करते हैं कि आपको लो कट चाहिए, मतलब कि 90 वोल्ट से कम वोल्टेज रहे तो ऑटो कट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आप इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से स्टार्ट करा देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो इसको अलग रखेंगे तो ये तुरंत जो है कितना भी लो वोल्टेज रहेगा ये आपका आउटपुट दे देगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जो है कि सेटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है उस चीज़ को आप समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोगों का ये स्टेबलाइजर है जो अभी अभी हमने तैयार किया है और उसके बाद ये बगल में जो आप देख रहे हैं इसको बैरियक बोला जाता है और यहाँ पर इसका जो है ये वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए एक रेगुलेटर टाइप का है जिससे हम वोल्टेज को इसमें घटा या बढ़ा करके इसको सेट करते हैं, क्योंकि इसका रेंज 90 से 300 है तो हमारे पास ऐसा साधन होना चाहिए कि जब हम इससे 90 दें तो 220 तक आ जाए और इससे 300 दें तो ऑटो कट हो जाए, तो मतलब ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए कि हम अपने घर की वोल्टेज को 90 से 300 के बीच में ला सकें। तो इसके लिए हमारे पास जो है कि ये बैरियक है, यहाँ पर बैरियक का जो मेन लीड है हमने बोर्ड में लगा दिया है और बोर्ड को जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ से जो है ये लाइन जलेगी जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे। अभी ये जो है कि ऑफ मोड पर है, ऑन करेंगे तो ऐसे देख सकते हैं ये जल गया, तो इसको अभी हम ऑफ रखते हैं, बाकी चीज़ें आपको बता लेंगे, उसके बाद जो है कि इसको ऑन करके सेट कर देंगे। फ्रेंड्स, इसका जो आउटपुट निकल रहा है, जो हमारा ये बैरियक है, बैरियक का जो ये आउटपुट निकल रहा है, यहाँ से हमारा ये जो आउटपुट है ये स्टेबलाइजर को हमने इनपुट कर दिया है और स्टेबलाइजर के आउटपुट पर हमने अपना डिजिटल मीटर लगाया है ताकि आउटपुट हम इसमें देख सकें और ताकि इससे इसी हिसाब से हम ऑटो कट कराएंगे तो डिजिटल मीटर जो है सही पड़ता है, सही काम करता है और सही जो है कि वोल्टेज दिखाता है। सामने वाला वोल्टेज मीटर जो है इस स्टेबलाइजर का, उससे हम इनपुट देखेंगे, बाकी इस वाले में हम आउटपुट देखेंगे। तो पीछे हमने कुछ इस तरीके से कनेक्शन किया हुआ है ताकि इसको सेट किया जा सके, बाकी सेट हो जाएगा तो हम यहाँ से ये वायर हटा करके इसको अलग कर देंगे और इसको कवर कर देंगे, बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सेट करते हैं। स्टेबलाइजर को सेट करने के लिए पहले हमें इसको ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से हमने ऑन कर दिया। अब इसमें से वोल्टेज हम बढ़ाएंगे ताकि इधर के तरफ लाइट जो है आ जाए। अभी जो है आप देख सकते हैं मेंस भी अभी ऑफ है क्योंकि इसमें कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, यहाँ से हमने इसको कम किया है। आप देख सकते हैं इसको जैसे जैसे हम बढ़ाएँगे उसमें वोल्टेज का मान बढ़ेगा और उधर जो है इंडिकेटर आप देख सकते हैं जल गया। आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ इसमें इनपुट वोल्टेज दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको इनपुट पर रखा है और इसको हम आउटपुट पर रखेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग 180 के आसपास इस मीटर में दिखा रहा है, 170-180। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हमारे जो डिजिटल मीटर है क्योंकि वो हमने आउटपुट पर ही लगा रखा है तो उसमें आउटपुट ही सिर्फ बताएगा, तो इधर हम इसको इनपुट पर कर देते हैं और वहाँ पर हम आउटपुट देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, इतना सारा कनेक्शन करने के बाद सबसे पहले हमको ये जो डिजिटल मीटर आप देख रहे हैं सामने की तरफ उसमें आउटपुट का मान 250 तक लेकर के जाएंगे, 250 तक, ये अधिक हो गया, थोड़ा सा और कम करते हैं, ज़्यादा ही कम हो गया, देख सकते हैं 250 आ गया है। और 250 आते समय आपको इसमें देखना है, इधर के तरफ देखना है आपको कि यह
200 से नीचे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 से नीचे है, इनपुट जो है हमारा 150 से नीचे या 200 से नीचे रहना चाहिए, तब जाके आउटपुट हमारा 250 के आसपास आना चाहिए। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही है। अब जो है हमको प्रीसेट से घुमा करके इसको सेट करना है। एक छोटा सा वर्क है, उसी को आपको समझना है। देखिए इसको हम यहाँ से घुमाएंगे, थोड़ा कैमरा पकड़ने में दिक्कतें आ रही है, रुक जाइए मैं कैमरा को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है कि आपको सेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे सेट करना है ताकि हमारा वोल्ट मीटर भी दिखे। फ्रेंड्स अभी हमने अपने मोबाइल को स्टैंड पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं इसमें आपको प्रीसेट भी दिख रहा है ये वाला, और सामने की तरफ 250 वोल्ट जो आउटपुट हमने सेट किया था वो भी दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रीसेट को घुमाएंगे। देखिए घुमाते समय जो है कि एक कट का आवाज़ आएगा और ये वोल्टेज डाउन होना चाहिए, यदि अप होता है तब तो दिक्कत है, डाउन होगा तो समझिए सेट हो गया। देखिए मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, फ्रेंड्स अभी आपने एक आवाज़ सुना और यहाँ पर वोल्टेज भी देखा, वोल्टेज डाउन हो गया और हमारा एक जो है कि रिले का कट का आवाज़ आया, इसका मतलब हमारा जो स्टेबलाइज़र है पूरी तरह से सेट हो चुका है। बस इतना ही सा छोटा सा काम करना होता है, लेकिन इसको सीखने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखे होंगे क्रम वाइज तो आप इसको समझ गए होंगे। चलिए हम इसके इनपुट और आउटपुट को एक बार फिर से देखते हैं, 90 से लेकर के 300 के बीच में हम देखते हैं कि वोल्टेज कितना दिखा रहा है। तो यहाँ से हम स्टैंड से इस मोबाइल को हटाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम इसको एकदम ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करने के बाद हम सबसे पहले इनपुट, यहाँ पर ये जो स्विच है हमने इनपुट पर ही सेट किया है, इसमें आपको इनपुट देखना है और सामने की तरफ आउटपुट देखना है। इधर 90 से 300 के बीच में कुछ भी वोल्टेज रहेगा, 200-240 मतलब 10 वोल्ट जो है कि 10-5 वोल्ट इधर उधर हो सकता है, बाकी आपको सामने की तरफ सब कुछ दिखेगा। चलिए देख लेते हैं, अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए, ये मैं 90 वोल्टेज कर दिया, लगभग 199 वोल्ट आउटपुट कर रहा है फ़िलहाल, ठीक है, मतलब 201 वोल्ट का इधर उधर नहीं लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इधर 100 वोल्ट से ऊपर हो गया, उधर 228 दिखा रहा है, फिर 200 आ गया। देखिए मेरा इधर जो है कि वोल्टेज लगभग 160 और 150 के आसपास पहुंच गया है, और इधर वोल्टेज जो है आउटपुट में आप देख सकते हैं 218 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 203 वोल्ट हो गया आउटपुट में, अभी हमारा इनपुट जो है 200 तक नहीं पहुँचा है। यहाँ पर 210 वोल्ट इनपुट है और आउटपुट भी 210 वोल्ट है, मतलब कि सेम वोल्टेज है। अब देखिए ये लगभग 250 के आसपास पहुंचा, तो ये फिर से 200 कर दिया, क्योंकि 250 वोल्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसको कम कर दिया उसने। आप देखते रहिएगा इसको, ये आखिरी होगा जिसमें थोड़ा सा ये जो है कि बढ़ रहा है। फ्रेंड्स एक और बात बता दें, ये 300 बोला जाता है लेकिन वास्तव में ये 290 ही होता है यहाँ पर, लेकिन यदि आप इस मीटर में देखेंगे तो 300 से ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 290 ही है। तो हमारा जो ऑटो कट हो चुका है लगभग 300 के आसपास, ये जा करके ऑटो कट हो गया। और इस तरीके से आप हमारे इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखे होंगे तो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। यदि आपका स्टेबलाइज़र में कोई सवाल रह गया है, जो अभी हमने आप लोगों को ये वीडियो सीरीज बताया है इनमें से कहीं पर भी आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।